बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक साथ तीन बहनों के अपहरण किए जाने का मामला सामने आया है। तीनों बहनों के पिता की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसमें फिलहाल एक बहन को पुलिस ने छुड़ाने में कामयाबी हासिल की है। वहीं इस अपहरण में दो बहनों की बरामदगी के लिए छापेमारी की जा रही है। मामला गोपालपुर थाना क्षेत्र के कालूचक कालिंदी नगर का है। लड़की की मां पूनम देवी ने गांव के ही रजनीकांत नामक युवक पर अपनी तीन बेटियों के अपहरण करने का आरोप लगाते हुए गोपालपुर थाने में मामला दर्ज कराया है। पूनम देवी ने बताया कि रजनीकांत कुमार ने मेरी सबसे बड़ी बेटी पूजा कुमारी, दूसरी बेटी प्रिया कुमारी एवं सबसे छोटी बेटी दीक्षा कुमारी को शहर में नौकरी दिलाने का झांसा देकर अगवा कर लिया है। घटना 16 जून के आले सुबह की है। लड़की की मां और चाचा का कहना है कि रजनीकांत प्रिया कुमारी से फोन पर बातचीत करता था। इसी क्रम में उसने तीनों लड़की को शहर में नौकरी दिलाने का प्रलोभन दिया, जिसमें तीनों लड़कियां फंस गई और रजनीकांत नामक युवक 16 जून के आले सुबह तीनों लड़कियों को अपने झांसे में लेकर यहां से ले गया और अगवा कर लिया। वहीं मामले को लेकर नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज का कहना है कि मामला हमारे संज्ञान में है, हम लगातार तकनीकी अनुसंधान पर काम कर रहे हैं, जल्द ही हम दोनों लड़कियों को बरामद कर लेंगे। वहीं केस के अनुसंधानकर्ता को भी बदल दिया गया है। थाना प्रभारी को 7 दिनों के अंदर दोनों लड़कियों को बरामद करने का निर्देश दिया गया है। गोपालपुर थाना क्षेत्र में मामला आया था, तीन बहनों का अपहरण था। हाँ, आज हमारे कार्यालय में आए थे, इस केस को हम जान भी रहे पहले से। एक बच्ची बरामद हुई है, हम लोग तकनीकी अनुसंधान कर भी रहे, जो आपसे हम शेयर नहीं कर रहे, हम लोग काम उस पर कर रहे हैं। बहुत कुछ क्लू हम लोग को मिला भी है, थोड़ा और हम लोग कन्फर्म कल पुख्ता कर लेते हैं, बहुत जल्द बरामद भी कर लेंगे। इस कांड का हमने IU को चेंज भी कर दिया है, जो थाना प्रभारी है मैंने उनको कहा कि आप कांड के IU बनेंगे, ताकि और गंभीरता से कांड को देखें। और उन्होंने आज उन्होंने फ़ोन से बताया भी है, आज एक डेट में मिले भी थे, वो कह दिया कि हम 7 दिन हमें हर हाल में दोनों बच्चे बरामद चाहिए। क्या कुछ अभी तक लड़की के बारे में? अभी हम कुछ भी शेयर नहीं करेंगे, बरामद कर लेते हैं, बहुत जल्द हम लोग इसको बरामद कर लेंगे। मेरा नाम राजीव कुमार सिंह है, मेरा घर कालिंदी नगर है, थाना गोपालपुर। घटना ये 15 तारीख का है, जिसके आलोक में मैंने घटना ये है अपहरण का, जिसमें मेरी तीन भतीजी का अपहरण हो गया था 15 के रात 3 बजे, यानी कि सवेरे 16 को। कौन था? 15/6, एक महीना से ऊपर हो चुका है। SP साहब को मैंने 3 बार आवेदन दिया, उसके बाद भी अभी तक ना किसी का गिरफ्तारी हुआ है, ना कोई बरामद हुआ है। घटना ये 15 तारीख को हुआ, उसके बाद हम सब ने खोजबीन चालू किया, जिसके आलोक में जिसमें मैंने अपनी बच्ची को पटना स्टेशन पे देखा गया, परिजन के माध्यम से पटना स्टेशन में मिला, तो एक को हम वहाँ से लाए और दो जो है भीड़ का मौका देख के लड़का लेके उसको चला गया। लड़का का नाम है रजनीकांत, तो वो भी कालिंदी नगर का ही है। पिता उमाकांत चौधरी, लड़के का पिता का नाम है। क्या विवाद था पहले? ना, कोई विवाद नहीं था। कारण लेके जाने को तो कारण ले जाने का था कि एक लड़की थी जिसमें मेरी मंझली वाली, जिसका उम्र 16 साल है, उससे बात करता था। कौन? उस रजनीकांत। किससे बात करती? प्रिया से, प्रिया कुमारी से। तो इसी दरमियान वो तीनों को भला फुसला लिया। तो और घर में तो एक जानते हैं किसान फैमिली है और छोटा बहुत काम है, उतना खर्च। उसके बाद बावजूद हम सब ने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहा, जिसके लिए हम सब काम करते थे। बच्चे को सिर्फ यही, हर एक घर में होता है ये चीज़ कि डांटने के बाद वो ये कदम उठा लिया। तो लड़का उसको भला फुसला के बोला, चलो तुम सबको वहाँ जॉब दिला देंगे, वहीं हम सब खुशी खुशी रहेंगे। इस कारण से वो सब एक साथ निकल गया, जिसमें मैंने पटना से एक बरामद किया, उसके बाद पूजा कुमारी को। तो क्या बरामद?
बरामद हुई तो उसके बाद हमने गोपालपुर थाना में जाके उसको सुपुर्द कराया। उसके बरामद 16 तारीख को, 16 को बरामद हुई। उसके बाद वहाँ पे जाके गोपालपुर थाना में जाके प्रशासन के हैंड ओवर किया। उसके बाद कानूनी प्रक्रिया के बाद हमने वापस उसे घर लाया। वो क्या बोली बरामद होने के बाद? यही घटना में बोली कि हम अपने मन से गए थे, उसके बाद उसने पहला फुसला कर हमें नौकरी का झांसा देकर लेके गया था, जिसके आलोक में मैंने केस नंबर है 288/23। तब तीन लड़की मेरी थी, तीनों घर से अपहरण कर लिया गया है। रजनीकांत नामक लड़का है, बगल का ही है। क्या करके अपहरण किया? क्या करके तीनों को बहला फुसला करके लेके चला गया। 15 तारीख भोर 3 बजे लेके गया। तो जब हम लोग सो के उठे, देखते हैं बच्ची गायब है, बच्ची का खोजबीन करने के लिए भेज दे कोई नोचा कहीं कहीं हर जगह, पटना तक आदमी सब लगा दे रिश्तेदार, वहाँ पे एक बच्ची मिल गई बड़ी वाली। क्या नाम था? नाम पूजा कुमारी था। और दो लड़की वहाँ से रजनीकांत लेके वहाँ से भी फरार हो गया। रजनीकांत से संपर्क कैसे हुआ? संपर्क बीच वाली मैंने प्रिया कुमारी से उसे बातचीत होती थी, इसी में लेके चला गया। उन लोग को भला लगा, चलो तुमको जॉब दिला देंगे, इसी में तीनों बच्ची को लेके चला गया। हम लोग को कुछ मालूम नहीं, सवेरे उठे तो पता चला कि ऐसी ऐसी घटना है। तो कोई बरामद हुआ? नहीं, बड़ी वाली बेटी तो बरामद हुई। दो बेटी जो 16 साल 14 साल दोनों नाबालिग है। अभी तक तो कोई पुलिस को बता, केस करने के बाद वो कह रहा है कि नहीं काम हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कौन-कौन लापता है? प्रिया कुमारी और दीक्षा कुमारी दोनों लापता ही है। अभी एक महीना हो चुका, 1 महीना 5 दिन हो गया सर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। नहीं बातचीत, एक दिन बातचीत हुई थी सर। क्या बोली कि हमको लेके चला गया है, मम्मी हम आना चाहते हैं। किस कंडीशन में, कैसा, किस परिस्थिति में, वो सब बताइए। वो फ़ोन काट देता था सर, बात हो रही थी फ़ोन काट देता था, इसके बाद वो मैंने स्विच ऑफ कर दिया, वो ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया ना। अभी बात नहीं हुई? नहीं, अभी बात तभी से बात नहीं हुई है बच्चे से। अभी कौन आया? अभी SP ऑफिस आया। SP जब काम हो जाएगा आपका, ये 3 बार 3रा बार आ चुके हैं सर यहाँ पे, फिर भी अभी तक कहाँ कुछ हो रहा है? नहीं कुछ नहीं हो रहा है। क्या आशा, क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो कहाँ कुछ लग रहा है सर, उम्मीद अब तक मिल चुकी रहती, इतना लेट नहीं होना चाहिए। एक नाबालिग बच्ची है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और पुलिस अभी कुछ नहीं कर रहा, आपका काम कर रहे हैं ऐसे क्या, करने से। क्या नाम आपका? मेरा नाम पूनम देवी हुआ, पति पवन कुमार सिंह, घर कालू चौक।